ये हमारी कश्मीर की लोकल सब्जी कड़म। ये है कड़म, ये है कड़म, ये चार दाने वो एक दाना, वाजवान का किंग वो है। भाई आज का प्लान ये है कि इंशाल्लाह ताला अभी हम नाश्ता करेंगे और मुजफ्फराबाद निकलेंगे। रात हमने यहीं गुजारी, बड़ा मज़ा आया, ठंडी ठंडी हवा थी, सितारे थे। अभी सुरखी गांव जो है ये मीरपुर ज़िला में है, मुजफ्फराबाद समझे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वाया मरी हम जाएंगे और मरी में भी जो है ना वो रस्ते में खाते पीते कुछ जाएंगे, पकौड़े वकौड़े साइट सीन करते हुए जाएंगे और कोशिश करेंगे कश्मीर के अंदर भी आपको कुछ वहाँ के ट्रेडिशनल खाने दिखाएँ। और उसके आगे फिर हमें और भी डीप वैलीज़ में जाना है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन फ़िलहाल नाश्ता करते हैं और मुजफ्फराबाद चलते हैं। तो फिर चले, इंजीर तोड़ना है। अरे पकी हुई है ये, अरे वाह यार, दिखाएं। ओ ये देखो, ये भाई ये पकी हुई इंजीर है बिल्कुल। और ये आप देखो, ये दिखाई मीठी। पराठे बना रहा हो? रोटी पराठा भी नीचे लगा लेना। जबरदस्त घर है यार ये, यहाँ पे ये फार्म हाउस की तरह इन्होंने अपना बनाया हुआ है। यहाँ पे ये कम कम आते हैं। अच्छा, हवेली हवेली वाला पूरा टच है इसका जो है ना। सबसे पहले अबाउजदाद ने ये जगह बनाया, ये इसके बराबर में भी तो है, ये यही थी ना, ये जगह थी बस, खंडरात है बराबर। उसको बिल्कुल बंद कर दिया ना, ये टोटल ये था, वो था और ये था। अभी बाद में पूरा एक्सपेंड कर दिया। अजगर भाई बहुत मेहनती आदमी है, सारा नाश्ता इन्होंने बनाया है भाई। ये ज़बरदस्त सा समझिए ब्रंच ही हो गया है। लस्सी भी है, चिकन जो है वो भी है, अंडा भी है, इंजीर भी है, अचार भी है और पराठे भी हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये ले भाई, ये ले फल। मोहम्मद आपके जलवे में वो रहनाई है, देखने पर भी मेरी आंख तमन्नाई है। अतला भी करीम और पाक मोहम्मद भी करीम, दोनों करीमों में गुनगार की बन आई है। ओ वो मेराज वाला सारी उम्मत दवाली, मेराज वाला सारी उम्मत दवाली, मोंडे ते कमली अभी गाड़ी देख के जो है ना, ये दो लोग रुक गए थे और ढोल भी था इनके पास, हमने कहा चले सुनाए कुछ। असल में ये यहाँ के मरासी कहते हैं लैंग्वेज में भी, ये लोग क्या करते हैं कि अबाउ अजदाद का ये ट्रेंड चला आ रहा है कि जब कोई गांव का बड़ा आता है ना, तो ये पता इनको कैसे खबर मिलती है, अल्लाह जाने, ये पहुँच जाते हैं। अभी तो ये बाइक पे आए, ये पैदल पहुँचते थे। अच्छा, और पहुँचने के बाद ना आपके बुजुर्गों का शजरा पूरा उनको पता होता था और पूरा पूरा शजरा जो है ना वो आपको सुनाते। अच्छा भाई, यहाँ स्टॉप लिया है हमने, पकौड़े वकौड़े हो जाए, कुछ हो जाए, चाय का ब्रेक, चाय नमाज का ब्रेक जरूरी है। ये देखो भाई व्यू चेक करें आप, ये चार पाइयां यहाँ रखी हुई हैं, सामने रेस्टोरेंट बना हुआ है जबरदस्त सा, और यहाँ से ये नीचे खाई, और खाई के साथ हमें नजर आ रहा है यहाँ पे ये प्लास्टिक बॉटल्स, कचरा, रैपर्स। ये है भाई हमारा बहसियत कौम, हमारी ये जिम्मेदारी है कि भाई ये कचरा ना फैलाओ यार। ये जो परिंदों की आवाज़ें आ रही ना, ये थोड़े अरसे में गायब हो जाएंगी अगर इसी तरह ये कचरे फैलते रहे। ऐसा ना करें भाई, इन जंगलों की, इन जगहों की हिफाजत करें। क्या हाल है भाईजान, खाने में क्या है? पकौड़े वकौड़े, समोसे वमोसे टाइप की चीज़ नहीं है? पकौड़े नहीं बन सकते यार, पकौड़े बन सकते हैं ना, क्यों नहीं बन सकते यार, बस पकौड़े बनवाए। चीज़ बन सकती है सर, कौन सी चीज़ आप मुँह से हुक्म करें मैं बना के दूं? नहीं, हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया फिर तो। समोसे भी ले लेते हैं ना, थोड़ी सी जलेबी समोसे भी ले लेते हैं, फ्रेश बने ना अभी। हाँ
अच्छा भाई, हम ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड अदील भाई के साथ इनकी फॉर्च्यूनर में, और भाई जो है ना वो गाड़ियों के बड़े एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। तो गाड़ियों के बारे में जानने के लिए और गाड़ियों के साथ आप किस तरह ट्रैवल करें लॉन्ग रूट्स के ऊपर, उसके लिए आप भाई के चैनल पे जाइए, इनको सब्सक्राइब कीजिए और आपके काम आएगा। ये आ गए पकौड़े भाई। ये आपने जंगल वंगल कर दिया। ये आ गया भाई, माहौल बन गया, आपने वाकई माहौल बना। असल में बात ये है कि भाई हमने सुबह नाश्ता ब्रंच किया था, एक तरह से थोड़ा सा हैवी था वो, तो इसलिए ये थोड़ा सा स्नैक्स टाइप के हो जाएंगे, जलेबी समोसे, तो ये हमारा लंच भी हो जाएगा और शाम की चाय भी हो जाएगी। ट्रेडिशनल हमारी जलेबी भाई। क्या जलेबी भाई। इन पकौड़ों के लिए कितनी ड्राइव की हमने। पकौड़े ज़बरदस्त चाट मसाले के साथ लग रहा है। सुरक्षी से वाया हमारी होते हुए अभी हम मुजफ्फराबाद के रास्ते में हैं, और इतने लंबे सफ़र के बाद ये समोसे और पकौड़े, मज़ा आ गया। गर्मा गर्म समोसे, गर्मा गर्म पकौड़े, दरख्तों का हसीन मंजर और ये चाय, हाय 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 हाय। क्या शायरी हुई। ये पहुंच गए भाई हम मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद का ये एक बाज़ार है जहाँ से हम एंटर हुए, वहाँ भी एक छोटा सा बाज़ार था, और अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे एक होस्ट हैं उनका, और अभी यहाँ पे हम ज़रा बाज़ार में एक्सप्लोर करते हैं, चाय शाय पीते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो खैर है, क्या हाल है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। कुलचा, कुलचा किधर है। कुलचा ये कुलचा, ओहो ये होता है कुलचा, दिखाओगे ज़रा निकाल के। ये कुलचा जो मशहूर है मुजफ्फराबाद का, अस्सलाम वालेकुम, जो मुजफ्फराबाद का कुलचा मशहूर है ना कश्मीर का, वो कोई ख़ास दुकान है या कहीं का भी है, सबका सब जगह का अच्छा होता है। एक ही वैरायटी होती है। ये कौन से कबाब बन रहे हैं। चप्पल कबाब, रात के लिए तैयारी हो रही है भाई। ये दो तरह के कुलचे हैं, एक मीठे हैं एक नमकीन है, और ये सुबह सुबह बन जाते हैं, बन के फिर दुकानों पे सप्लाई हो जाते हैं। अभी ये यहाँ पे रखे हुए थैलियों में बंद हुए हुए, मैं समझ रहा था कि ज़रा तंदूरी रोटी टाइप कुछ ताफ्तान इस स्टाइल का होगा, लेकिन ये शक्ल में बिस्किट टाइप का लग रहा है। बिस्मिल्लाह। करो तुम भी बिस्किट की तरह है जी, है ना। ये ज़रा नमकीन वाला भी टेस्ट करता हूँ मैं, है बहुत खस्ता बहुत करारे, लेकिन बिस्किट की तरह का टेस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे नान खताई बिस्किट उन दोनों का मिक्सचर लग रहा है। कासिद जी, कासिद तुम यहाँ जॉब करते हो, पढ़ाई वढ़ाई करते हो। नहीं, कहाँ तक की पढ़ाई। छः तक की। चलो इंशाल्लाह ताला। और बताओ, तो टिकटॉक विकटॉक बनाते हो। अरे टिकटॉक बनाता है लड़का, बताओ किस नाम से तुम्हारा टिकटॉक। तदीर मोहन जी। गाना नहीं आता, सिर्फ चलने वाली वीडियो, चलने वाली ये स्टाइल में चलते हुए हैं, स्लो मोशन में। ये स्लो मोशन में पीछे गाना चल रहा है, तो एक जरा चल के दिखा दो ना अंकल। हाँ भाई चलो पीछे हो, जरा चलो थोड़ा स्टाइल चल के दिखाओ, स्टाइल से, स्टाइल से। हाय हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है, काफ़ी हीरो लग रहा है लड़का, ये तो ज़बरदस्त आ गया है। आ गए भाई कबाब, बहुत ज़्यादा ले आए यार, अरे बहुत ज़्यादा कबाब आ गए ये भाई। हम तो आए थे सिर्फ चाय पीने के लिए, और ये कुलचे हमने ट्राई किए, लेकिन ये जो भाई हमें मिले थे चल रहे हैं, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, और साथ में जो है ना वो ये चपली कबाब का ऑर्डर लेके चले गए। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, चपली कबाब है,
क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक डेढ़ घंटे पहले पकौड़े खाए थे, लेकिन जब मोहब्बत से चप्पी कबाब आए तो भाई ट्राई करना तो बनता है। और ये आप चेक करें, ज़बरदस्त है। टमाटर को भी इन्होंने फ्राई किया है, हरी मिर्चें भी इन्होंने फ्राई किए हैं और उनको इसके ऊपर डाला है। सुना है कि ये चपली कबाब कासिम जी फिश पॉइंट के काफ़ी मशहूर हैं यहाँ पे। गर्मा गर्म चपली कबाब हैं और इंतहाई मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी लेयर, अंदर से नरम मुलायम जूसी। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर खलूस मोहब्बत से कोई चीज़ खिलाई जाए तो उसका ज़ायक़ा अलग ही होता है। और वो भाई ऑर्डर दे के चले गए हमें कान में बोल के, और चपली कबाब हमारे लिए आ गए। अल्लाह का बड़ा करम है, लोग इज्जत देते हैं, आप सब लोगों की मोहब्बत है। जज़ाकअल्लाह। मौसम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम। कैसे? खैरियत से। अच्छा, चाय पीने के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारे जिन दोस्तों का इंतज़ार था, अदील भाई के दोस्तों का, हमारे दोस्तों का, तनवीर भाई और मोहसिन भाई, ख्वाजा मोहसिन भाई, वो तशरीफ ले आए और इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे एक वाजवान रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऑथेंटिक कश्मीरी खाने मिलते हैं। मोहसिन भाई, सर यहाँ पे तीन चार किस्म की डिशेज हैं। रिश्ता आ गया है, तबक माज आ गया है, गोश्ताबा है, जो उसके अलावा लोबिया, ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो फैसल कश्मीरी साहब का रेस्टोरेंट है, ये भी इनके वालदेन जो अबाव अजदाद माइग्रेट होके आए हुए हैं। अब आपको ले कर चलते हैं, देखें। ज़बरदस्त अंदर चलते हैं और ये है वाजवान। मतलब ये प्लेटर होता है बेसिकली बहुत सारी डिशेस का, बहुत सारी डिशेस का निचोड़ है। देखें, ये आ गया अरिस्ता। ठीक है, गुश्ताबा? गुश्ताबा नहीं, रिश्ता इसको बोलता होता है, गुश्ताबा नहीं है, लेकिन इसको जो है यखनी के सालन में पकाया जाता है। अच्छा अच्छा, रिश्ता इसको बोलते हैं, रिश्ता। अच्छा अच्छा, ये वाला आ गया, साथ वाला, ये जो गुश्ताबा है ये पार कश्मीर का, ये गुश्ताबा है, ये गुश्ताबा आ गया। ठीक है, ये बनता है दूध यखनी में, बनता है दही में, बनता है। ठीक है, जो गोश्त होता है वो गोश्त पत्थर पर उसको बारीक बिल्कुल रेजा रेजा करके बनाया जाता है। उसमें और भी दो तीन चीज़ें, मसाला जात वगैरह डाली जाती हैं, उसके बाद ये जाके अमल में आता है। ये आ गई पनीर, पनीर, पनीर आ गया। अच्छा, ये वाजवान के उसके साथ ये भी शामिल किया जाता है। इसके साथ ये वाला आगे वाला आ गया, भाई आगे वाला दाल लोबिया। ये दाल लोबिया है, दाल लोबिया, ये दाल लोबिया जो हमारे आजाद कश्मीर के मसदूम इलाके हैं, या नीले वैली आ गया, या उसके अलावा लीबा वैली, इन दो इलाकों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन दाल पाई जाती है। ये सफ़ेद चावल है, सही है, कश्मीर में ज़्यादातर लोग सफेद चावल इस्तेमाल, सफेद चावल, सफेद चावल इस्तेमाल रात के टाइम स्पेशली जो है ना, ये पुलाव वगैरह, ये थोड़ा बहुत उसको टेस्ट किया जाता है वाजवान के साथ। वाजवान, वाजवान में बीच में डाला, वाजवान बेसिकली बहुत सारी डिशेस होती हैं वाजवान, चार पांच छह चीज़ों का निचोड़ होता है वो। मसलन चावल आ गया, वाइट चावल आ गया, उसके अलावा ये पुलाव आ गया। और ये शादियों वगैरह में ज़्यादातर होता है वाजवान। शादियों में यहाँ ये देखें, ये हमारी चांप्स वगैरह, ये सर जी हमारी शादी वगैरह में यहाँ पे सिर्फ वो जो होते हैं जो माइग्रेट होके आए हुए हैं, वो लोग मुख्तलिफ जगह किसी जो ख़ास शादी में होते हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ आम रूटीन के मुताबिक जो नॉर्मल मेन्यू होता है वो होता है। अच्छा, ये वाला जो वाजवान है ज़्यादातर ये उस साइड वाले कश्मीर में होता है? होता यहाँ पर भी होता है, लेकिन किसी स्पेशल मौके पर इस्तेमाल होता है। ये हर आइटम पर नहीं, हर जगह नहीं, हर उसमें नहीं होता, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता ये। लेकिन ये जो गुश्ताबा, इसको कीमे की तरह बनाया नहीं जाता, ये पत्थर पर इसको जा बारी पीसा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक थोड़े जैसे वो अपना पेटियों वगैरह थोड़ा नहीं होता है जी, उसकी तरह उसे जाके इसको कूटा जाता है। अच्छा, फिर उसमें थोड़े बहुत मसाला जात वगैरह ऐड करके ये बनाते हैं, पानी में उबालना पड़ता है, उबालने के बाद फिर इसको यखनी में बनाया जाता है दही के साथ। ओके, हाँ जी, सबसे जो बेहतरीन चीज़ है जो कश्मीर में जो होती है वो ये समोवार है। अच्छा, ये क्या? जो ग्रीन टी जो होती है ना, ग्रीन टी, समोवार, समोवार, इसमें कोयला पड़ता है, कोयला, कोयला में आग जला के ये दम पे कावा बनता है इसमें। अच्छा, दम पे, ये आस्ते आस्ते इन चीज़ों से लोग दूर होते जा रहे हैं। यही ट्रेडिशनल आइटम है कावा, पहले इस तरह से सर्व किया जाता था, इस तरह से इसमें ये होता था, एक ही होता था, इसके साथ प्याला होता था, वो चीन का छोटा वो प्याला होता था। अच्छा, ये कावे का जो असल जो लुत्फ जो आता था उस प्याले में आता है। वो लोग हैं जो ये डिशेस तैयार करते हैं। ठीक है, वैसे, अच्छा वैसे आपका श्रीनगर पे थे जी, सोपोर से, तो ये जो वाजवान है ये स्पेशली श्रीनगर की डिश है या क्या? पूरी वादी, पूरी वादी की डिश है, वादी वादी।
अच्छा 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 सही। तो इसमें वैसे मैंने जो पढ़ा था कि इसमें 4 से लेकर 36 डिशेस तक होती हैं, लेकिन रिटेन में जो है ना असल जो चल रही है मतलब वो वादी कश्मीर में, तो वो तो 22 डिशेज हैं। देखिए कॉम्प्लिकेटेड ये है कि मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जो साहिब इस्तेदात होते हैं साहिब सरवत होते हैं वो लोग मैनेज कर लेते हैं। कश्मीरी वाजवान में 2 डिशें तो मतलब ज़्यादा मशहूर होती है, गोश्तावा नहीं ये तो आम रिटीन में भी है। अच्छा 3 डिशें मतलब जो है ना वो रोज़ नहीं बनते। अच्छा एक मेथमार आम गोश और ये रोगन जोश। अच्छा ये ऑर्डर पे बनते हैं ये मतलब ये आम रूटीन में बनते हैं। घर में कोई शौकीन बार खाएगा तो फिर ये, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को ज़्यादा मेहनत। अब इसमें कश्मीरी मिसाल 22 डिशें, ये जो गोश्ताब है ये आखिर पर देते, इसके बाद कोई डिश नहीं मिलेगी आपको। ये जो गोश्ताब है जो दही में बनाया लोग खाते, अभी गोश्ताबा नहीं है अभी है। अच्छा अभी गोश्ताबा नहीं, गोश्ताबा जो है वो आखिरी आखिरी मतलब मेन आइटम गोश्ताबा है। ये 4 दाने वो 1 दाना वाजवान का किंग वो है। ये अब हमारा वाजवान बन रहा है प्लेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रहमान या रहीम। ये तैयार हो रहा है भाई वाजवान, ये 4% प्लेटर रेडी हो रहा है। 4% प्लेटर रेडी हो रहा है ये हमारा। ये मेरे ख्याल ये तकरीबन 6 लोग खा लेते हैं, 4% होता है 5000 का। 5000 का जी, इसमें हर चीज़ होती है जो वाजवान के हमारे पास। अब इसमें ये लगी ये यखनी आ गई गुश्तादे की, ये क्रम पनीर का सालन आ गया, ये पनीर आ गया जी, ये पनीर आ गया, तो इसके अलावा ये गुश्तादा आ गया। अच्छा गुश्तादा ऊपर रखा जाएगा इस तरह जी। ओके अब ये रिश्ता आ गया, ये भी 4 पीस लगेंगे। अब इसके ऊपर जो है वो ऐड होगा बारबेक्यू, बारबेक्यू चिकन रोटी। अच्छा भाई हम बैठे हैं वाजवान रेस्टोरेंट पे और मोहसिन भाई ने और जो शेफ थे इनके उन्होंने काफ़ी डिटेल्स बताई इसकी। सबसे पहले मोहसिन भाई गुश्ताबा ट्राई करें हम, आप पहले पनीर ट्राई करें। पनीर ट्राई करें तो सादा भी खा, काफ़ी सारे बारबेक्यू भी हैं इस पे, लेकिन बारबेक्यू तो हम खाते ही रहते हैं, तो पहले हम ये है पनीर। डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है बिल्कुल। ये पनीर का जो असल जो स्वाद आता है वो कड़म के साथ आता है। ये राइस आ गए हमारे भाई थोड़े से, और ये हम कड़म लेंगे। इसको क्या कहते हैं कड़म, कड़म की सब्जी, पनीर कड़म की सब्जी और राइस। चावल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कश्मीर की लोकल सब्जी कड़म। कड़म पनीर का जिस तरह जायका होता है थोड़ा मिल्की सा, क्योंकि दूध से ही बनता है पनीर, दूध से उसी तरह का जायका है, लेकिन सब्जी का जो सारन वाली सब्जी होती है उसी तरह का उसमें टेस्ट है राइस के साथ, बिल्कुल बड़ा मज़ा दे रहा है। ये रिश्ता है, ये कोफ्ता तो नहीं जो हमारे यहाँ कोफ्ता बनता है, सेम चीज़ है या मसालों में फ़र्क है? मसालों में थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा थोड़ा सा ये गुश्ताबा टाइप, हाँ थोड़ा सा, लेकिन ये जो रिश्ता जो होता है ये बनेगा 100 सालों में। ये जो है ना ये थोड़ा सा जब मैंने कहा हाँ काटा है इसको तो ये कोफ्ते की तरह नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा इसका स्पंजी सा टेस्ट है, गोश्त इसमें ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है, बल्कि नज़र भी आ रहा है गोश्त बिल्कुल बारीक हो रहा है। मैं ज़रा ऐसे ही ट्राई करके देखता हूँ। बिस्मिल्लाह थिक मीट है इसमें। नहीं भाई कोफ्ता नहीं है ये, कोफ्ता टाइप ये हमारा जो कश्मीरी कोफ्ता, इसको हम कोफ्ता बोलते हैं। हाँ लेकिन ये इसके अंदर भी बोलते हैं कोफ्ता, इसके अंदर जो है ना कोफ्ते में हमारे यहाँ जो कोफ्ता होता है उसमें मसाले वसाले ज़्यादा होते हैं, इसमें गोश्त का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, चर्बी का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, समझे आप कि नगेट्स की देसी फॉर्म को जो है ना ये रिश्ता है। बिल्कुल नगेट्स की देसी फॉर्म जो है ना वो रिश्ता है ये भाई। मज़ा ही आ गया, ये वाजवान जो है ना ये बड़े ही क्या कहा जाए, एक शाही मुगलिया एक इस तरह की एक चीज़ है ये जो है। इसको देखते हैं मटन चॉप्स, ये भी देखिए आप बिल्कुल जो है ना गोश्त एकदम बिल्कुल हलवे की तरह हो रहा है ये गला हुआ, बहुत डिफरेंट है रोश की तो करीब जाता हुआ गोश्त, जिस तरह मटन रोश होता है उससे उसके करीब जाता हुआ ये है। पेशावर के खानों में भी बलूचिस्तान के खानों में भी मीट का टेस्ट, और कश्मीर में भी अभी मुझे यही अपना। हाँ ये है भाई गोश्ताबे का शोरबा है ना, यखनी गोश्ताबे की यखनी रोगन जोश खाली, इसका शोरबा टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह बहुत मज़ा आ गया, खाली भी इसको सूप की तरह भी पिया जा सकता है, बिल्कुल बहुत मज़ेदार। ये जो गोश्ताबा है ये अलग से भी सर्व होता है, प्लेटर में भी सर्व होता है, और
इसको भी राइस के साथ खाया जाता है और वैसे सादा भी खाया जाता है। ये आप चेक करें भाई, इसका टेस्ट रिश्ते से मुख्तलिफ होगा। टेक्सचर जो है वो रिश्ता की तरह ही है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो मीट पूरा इसके अंदर जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रहा है हमें, रोल हुआ हुआ ऐसा लग रहा है। और ये बीफ के हैं लेकिन इसके अंदर चर्बी मिलाई जाती है इसको होल्ड करने के लिए। तो ये भाई गोश्ताबा, भाई ये जो गोश्ताबा है ना, नो डाउट ये वाकई इस पूरे वाजवान का, इस पूरे प्लेटर का किंग है। क्योंकि एक तो गोश्त को जो है ना वो बड़े पत्थर के ऊपर कूट कूट के इसको, बड़ा डिफरेंट तरीका है इसको बनाने का। किसी दिन आएंगे तो इसकी प्रिपरेशन भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन दही में बनता है, इसके ख़ास मसाले हैं और वाकई जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि फैट भी इसके अंदर होता है। रिश्ता से मिलता जुलता इसका टेक्स्चर है, टेस्ट लेकिन डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार है। कश्मीरियों की सबसे बेहतरीन, कश्मीरियों की सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है ये गोश्ताबा, बहुत आला। ये आ गई है भाई स्पेशल कश्मीरी चाय, नमकीन चाय, कश्मीरी नमकीन चाय, कश्मीरी नमकीन चाय, नून चाय कहते हैं, नमकीन चाय, नून चाय, नून चाय, नून चाय, नून चाय, नून चाय, नून हम कहते हैं नमक को, नून नमक को कहते हैं, नून नमक को कहते हैं। ये जो इसका जो कलर जो ऐड हुआ हुआ है ये दूसरा फूड कलर नहीं है, अच्छा ये इसका नेचुरल कलर है। अच्छा नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर है। ओके ये भाई कश्मीरी नून चाय, कश्मीरी नमकीन चाय, ओरिजिनल चाय, टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। ये है भाई नमकीन चाय, हमने तो हमेशा मीठी चाय पी है लेकिन ये नमकीन चाय है, ज़रा डिफरेंट टेस्ट है इसका, मैंने पहले कभी पी नहीं है। और ये थोड़ा हाजमे में भी फ़ायदा करती है। अनवीर भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, आपने काफ़ी डिटेल्स बताई। और अजील भाई के साथ और मुसिन भाई, तनवीर भाई के साथ भी हमारा सफ़र अभी जारी है, आगे इंशाल्लाह और ख़ूबसूरत डेस्टिनेशन पर जाना है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।